अस्सलाम वालेकुम, जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और इस वक्त जिला शोपियान से बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हैवी रेन यानी बहुत बारिश हो रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप वाइपर भी देख सकते हैं गाड़ी के किस तरह से तेज चलाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है बारिशों का सिलसिला जो है बहुत तेज़ है। और रोड पे देख सकते हैं किस तरह से पानी है। और इस वक्त अगर बात की जाए जिला शोपियां से बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला है। और बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं, जिला शोपियान में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर जो है वो स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है कितनी तेज़ हो रही है, तेज़ बारिश के साथ साथ अगर बात की जाए इस वक्त रोड पे भी जो है पानी आप देख सकते हैं। और कहाँ से देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक हमारी लाइव नशियात पहुँचे। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तेज़ बारिशों का सिलसिला ज़िला शोपियान में जो है वो हो रहा है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो हालांकि महकमा मौसमियात ने कहा था कि आगे आने वाले 48 घंटे जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं बारिश के हवाले से अगर बात की जाए, तो इस वक्त भरपूर हम आपको कहना चाहेंगे कि बारिशों का सिलसिला एक बार फिर जो है ज़िला शोपियां में स्टार्ट हुआ है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो ज़िला शोपियां में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे भी फ्लो जो है अच्छा खासा फ्लो देखा जा रहा है। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ना जाएं क्योंकि किसी भी आने वाले डिज़ास्टर से बच सकते हैं अगर वाटर बॉडीज़ के पास ना जाएं, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को जो है इन वाटर बॉडीज़ के नज़दीक जाने ना दें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायरस हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़िला शोपियां से कि बारिशों का सिलसिला एक बार फिर जो है वो स्टार्ट हुआ है। और तेज़ बारिशों का सिलसिला एक बार फिर स्टार्ट हुआ है, बराए अस्ताम ज़िला शोपियां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है बारिशों का सिलसिला एक बार फिर जो है वो स्टार्ट हुआ है। और कई नदी नालों में जो है अच्छा खासा फ्लो जो है वो दिखने को मिल रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नदी नाले हैं या वाटर बॉडीज हैं तो अपने बच्चों को बुज़ुर्गों को और वहाँ पर जाने की कोशिश ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो आने वन डिज़ास्टर या आप कह सकते हैं कि बादल फटने की वजह से पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण जो है लोगों को परेशानी हो सकती है, तो एहतियातन आपको जो है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसा कहा गया था कि 48 घंटे जो हैं बारिशों का मौसम जो है बड़ा तेज़ बारिशें हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वह लगातार जारी है। और शोपियां की बात करें तो तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। एक मिनट के लिए जो है आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को रुकाना पड़ा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियों को रुकाना पड़ा और कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि रोड जो जितनी भी रोड हैं वहाँ से एक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा जो है वो हो गई थी। अब मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा क्योंकि तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ स्टार्ट हुआ था। अगर आपके एरियाज़ में भी हैं, आप कहाँ से हैं, आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके एरिया में भी बारिशों का सिलसिला इसी तरह स्टार्ट है, बारिशें हो रही हैं क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा गया था कि आने वाले 48 घंटों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और तेज़ बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है। नाज़रीन जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और वक्तन फ़ौक्तन हम इसी खबरों के साथ साथ हम पब्लिक इवेंट्स भी आप तक पहुंचाते हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए तो वेदर के हवाले से हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं।
और इस वक्त जो है बराह राज साउथ कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तेज बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अब कहाँ से हैं ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना एरिया मेंशन ना करना ना भूलिएगा ताकि तमाम लोगों तक हमारी ये अपडेट पहुँचे। बारिशों का सिलसिला तेज जो है वो स्टार्ट हुआ था, अब हालांकि थोड़ी धीमी हुई है लेकिन लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और आपसे भी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।